मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई का बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे से हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों ने पढ़ाई चालू कर दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी रिसेंटली आपका चैप्टर नंबर 16 चल हुआ है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आपको वेस्ट के बारे में, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, गार्बेजेस के बारे में कई सारी चीजें बता दी। समस्या ये है कि कचरे हमारे दिन चारों तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिरकार उनसे कई सारे हार्मफुल इफेक्ट भी, जो मैंने आपको बताया था, आखिरकार इनसे बचा कैसे जाए, इनके हार्मफुल इफेक्ट से हम कैसे बचे, अर्थात वेस्ट के प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट मीन्स उचित प्रबंधन की जरूरत है। क्या समझे? जैसे हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शादी विवाह का प्रोग्राम होता है तो किसी घर में एक सिंसियर आदमी, जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी दे देते हैं कि वही हलवाई की देख रेख करेगा, किसको खाना मिला है मिला, कोई आप खाते रहे नहीं खाना खा लिया, तो देते ही इनके घर में जिम्मेदारी। ऐसे ही वेस्ट की भी मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। तो उस मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए क्या करना है, आओ टॉपिक पर आते हैं। पेज नंबर 279 आप निकालेगा, पेज नंबर 279। पेज नंबर 279 सबसे मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर बाय डिफरेंट प्रोसेस। कई सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम कंपोस्टिंग, सबसे बेस्ट मेथड है ये। आप ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हो अपने घरों में। इट इन्वॉल्व कन्वर्सेशन बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर बाय ब्यूरिंग देम इन द कंपोजिट पिट्स। छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं घरों में, कच्ची मिट्टी वगैरह में छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं, उन गड्ढों में क्या किया जाता है, आई जाते हैं। दिस वेस्ट आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। इट इज स्लो, सिंपल एंड चीप प्रोसेस। इट कॉज no harm to the environment. In addition, waste gas produced in the process such as methane can be captured and used for generating electricity. अब क्या किया जाता है, उन गड्ढों में जो भी हमारे घरों से, किचन से निकलने वाले वेस्ट होते हैं ना, उन वेस्ट को उन गड्ढों में डाला जाता है, ठीक है। और कुछ दिनों में क्या हो जाता है, कंपोस्ट सड़ने लग जाते हैं, बदबू आने लग जाती है। तो कंपोस्ट होने के बाद उनमें बैक्टीरिया और फंगी क्रिएट हो जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग इन वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल एंड एक्लिकेट द नेचुरल प्रोसेस डीकंपोजिंग और ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इस प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जैविक क्रियाविधियों के द्वारा, जो हम लोगों ने जो वेस्ट डाला था उस पीट्स में, उस गड्ढे में, वो कुछ दिनों के बाद ऑर्गेनिक हो जाता है, मैन्युअल खाद का काम करने लग जाता है। इससे तो दो फायदे, मेरा मानना है कि दो फायदे इससे, एक तो हमने कचरों का उपयोग कर लिया और उससे हमने खाद भी प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, वर्मी कंपोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप समझिएगा इसको क्या होता है। कंपोस्टिंग इन विच ए काइंड, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, ए काइंड ऑफ अर्थ वर्म्स कॉल्ड रेड वर्म्स आर रेग विगल्स एट्रैक्ट्स वेस्ट एंड डिग्रेड देम, इट्स कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अपने गांव में गंडे को देखा होगा, सांप की तरह रहता है सब, केचुआ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। केचुआ फार्मर फ्रेंड भी उसको बोला जाता है, किसानों का मित्र होता है। तो केचुए के बहुत फायदे हैं, वो क्या करता है, सोइल को फर्टिलाइजर बनाने का काम करता है, उसको उपजाऊ बनाने का काम करता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इज वर्मी कंपोस्ट विच इज गुड मैन्योर बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम विच आर वेरी, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, एक तो वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ इन प्लांट्स। क्योंकि एक बात जानते हैं, जो कुछ मिनरल्स होते हैं ना, कुछ मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वो मिनरल्स हमें इन सोइल, इन वर्मी कंपोस्ट के थ्रू मिलता है। समझे मेरी बात स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको मैंने आज कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया, आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस मेथड से हम बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं ना, जैविक कचरे होते हैं, उनका आसानी से हम यूज भी ले पाते हैं, रिसाइकल भी हो जाता है और हमारे लिए जो एक जो मैन्यूर तैयार होता है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कई हद तक इससे हम पर्यावरण पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पढ़िए, जैसे आपको पीडीएफ वीडियो फाइल्स प्रोवाइड आपको होती जा रही है, उनको सबको देखिए और राइट अपने होमवर्क की नोटबुक में करके रखिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।
आती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।